दोस्तों सुजलोन एनर्जी की बात करें तो तुलसी तांती जी की डेथ के बाद में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि कंपनी को अब आगे कौन लेके जाएगा, कौन कंपनी के नए एमडी होंगे, तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब मिल चुका है। कंपनी ने अपने नए एमडी का ऐलान कर दिया है। कौन है कंपनी का नया एमडी और क्या है उनका क्वालिफिकेशन, क्या वो उसी तरह से कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं जिस तरह से तुलसी तांती ने कंपनी को काफ़ी आगे बढ़ाया। और एक तरह से देखें तो कंपनी को उन्होंने पूरी तरह से एक बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाल के किनार पे लाके खड़ा कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जो सबसे बड़ा जो उनका डेथ था और उनकी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी कंपनी लगातार जो बहुत सारे कर्ज में डूबी हुई थी। ऐसे में उन्होंने एक सरकार से बड़ी हेल्प ली और सरकार की कंपनियों ने जिस तरह से उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ली और जो उनका बैंकों का कर्ज था वो सारा का सारा सरकार ने अपने पे ले लिया, तो एक तरह से उनको काफ़ी निजात मिली। इसके बाद में भी कुछ और डेट बाकी था तो उस डेट को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने एक तरह से जो राइट इशू लाने की जो संभावना तलाशी थी वो सारी की सारी उन्होंने अपने जीते जी सारी बातें कर ली थी। और अब जैसे कि पॉजिटिव माहौल बना है तो क्या आने वाले समय कंपनी कुछ अच्छा करते हुए दिखाई देगी, क्या तुलसी तांती जी के बगैर भी सुजलोन आगे बढ़ पाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ पॉजिटिव बातें जो निकल के आ रही है उनको डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे वो प्रमोटर ग्रुप की इन्वेस्टमेंट के बाद में जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट है वो है दिलीप संघवी ग्रुप की, और उनकी तरफ से भी बड़ा बयान जो निकल कर आया उसके काफ़ी मायने हैं। दूसरी तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है और ये हमें देखने को मिल रहा है कि मंडे को हमारे बाज़ार में भी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डाउ जोन्स में बड़ी गिरावट देखी, 29,296 के स्तर पर 2.11% की बड़ी गिरावट देखी हमने फ्राइडे के दिन। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,639 के स्तर पर 2.80% की बड़ी गिरावट हुई। यहाँ पे नेस्डेक कंपोजिट तो बहुत ही बुरी तरह से गिरा, 10,652 के स्तर पर 3.80% की बहुत बड़ी गिरावट, यानी लगभग 4% टूटा, एक तरह से क्रैश कर गया नेस्डेक। अब रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,702 के स्तर पर 2.87% की गिरावट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे बाजार जिस तरह से गिरे उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि मंडे को हमारे बाजार में भी बड़ी गिरावट हो सकती है। अब बाजार के लिए दूसरी जो सबसे बड़ी बुरी खबर है वो ये है कि हमारा इंडियन रुपीज ऑल टाइम लो जाते हुए 82.82 पर आ चुका है, यानी लगभग 83 के आसपास पहुंच गया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंडियन रुपीज़ क्रैश हो रहा है और जिससे लग रहा है कि क्या आने वाले समय ये 3 डिजिट में चला जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा, तो ये बाजार के लिए बहुत बड़ी निगेटिव बात भी है और इस वजह से थोड़ा सा निगेटिव माहौल बन चुका है। अब सुजलोन एनर्जी की अगर हम बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 7.65 पर हुई थी, जहाँ पर हमने कोई भी अपडाउन नहीं देखी, यानी जो थर्सडे की क्लोजिंग थी उसी के आसपास हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी ने अपना फैसला ले लिया है, कंपनी को नए CMD मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से तुलसी तांती के भाई विनोद आर तांती को CMD बनाया गया है। तो जैसे ही उनको MD के पद पे अपॉइंट किया गया उसके बाद में विनोद तांती जो उनकी पुरानी पोस्ट थी, यानी जो वो होल टाइम डायरेक्टर और साथ में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, तो इन दो पोस्ट से उन्होंने रिज़ाइन कर लिया क्योंकि अब वो MD की पोस्ट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे सुजलोन की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने 7 अक्टूबर को कंपनी की मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में यहाँ पे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे यहाँ पे विनोद तांती को 3 साल के लिए अपॉइंट कर लिया गया है। विनोद तांती की बात करें तो ये तुलसी तांती के भाई है और इनकी एज 60 ईयर्स की है। विनोद तांती की बात करें तो वो भी फाउंडिंग मेम्बर थे सुजलोन के और आप देख सकते हो कि उन्होंने बैचलर्स डिग्री ली हुई है सिविल इंजीनियरिंग में और करीब 34 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो 14.50% की होल्डिंग है प्रमोटर ग्रुप में तुलसी तांती फैमिली की, जिसमें विनोद तांती भी शामिल है। यहाँ पे आपको पता होगा पिछले दिनों सरकार की दो कंपनी पावर सेक्टर की जो कंपनियाँ जिन्होंने इनके बैंकों का लोन जो चुकाया उसके बदले में इन्होंने अपने प्रमोटर कोटे से जो होल्डिंग है वो सरकार को दी है। जब तुलसी तांती MD थे तब उनके भाई विनोद तांती और गिरीश तांती वो भी कंपनी के बोर्ड में सदस्य थे और गिरीश तांती की बात करें तो वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर थे और विनोद तांती है वो होल टाइम डायरेक्टर और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पे थे। इसके अलावा अगर देखें तो गिरीश तांती को भी फिर नई जवाबदारी दी गई है तुलसी तांती के बाद। यहाँ पे जिस तरह से विनोद तांती को MD बनाया गया उसी तरह से अगर आप देखें तो गिरीश तांती जो भाई है तुलसी तांती के उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, साथ में उनको वाइस चेयरमैन के पद पर भी अपॉइंट किया गया है और इनकी नियुक्ति भी 7 अक्टूबर से लागू हो चुकी है। ये भी 3 साल के लिए सेवाएं देंगे सुजलोन एनर्जी में और ये भी फाउंडिंग मेंबर है, कंपनी की शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं और उनकी एज 52 ईयर्स की है और इनकी डिग्री अगर देखें तो कंपनी के ज्वाइन करने से पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है UK से, तो काफ़ी अच्छा उनका एक्सपीरियंस है और वो भी पहले से ही इस कंपनी से जुड़े हुए, तो उनको भी नई जिम्मेदारी दी गई है। अब एक तरह से देखें तो दोनों भाई मिलकर सुजलोन एनर्जी को आगे लेके जाएंगे और तुलसी तांती जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुजलोन ने अपना डिसीजन ले लिया है, कंपनी ने
तुलसी तांती के भाई विनोद तांती को ही एमडी और चेयरमैन के पद पे अपॉइंट कर लिया है और आने वाले समय में वो सेवाएं देंगे और ऑलरेडी पहले से वो कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं तो उनको सब कुछ पता है, यानी कंपनी के बारे में एक छोटी से छोटी जो भी चीज़ है उनको पता है। और ऐसे में जो कंपनी के लिए जो एक तरह से जो कमी हुई है तुलसी तांती जी की वजह से उसको पूरा करने की वो कोशिश पूरी करेंगे और आने वाले समय यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव माहौल बनेगा और ये राइट इशू पूरी तरह से सक्सेस होने की पूरी संभावना है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो दिलीप संघवी जो सबसे बड़े इन्वेस्टर है, जिन्होंने 2015 में जब सुजलॉन डूब रही थी उस समय इसको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट देके इसको बचाया था और उनकी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा थी, यानी 23% की होल्डिंग थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने बीच में अपनी होल्डिंग को बेचा। लेकिन अभी भी उनकी होल्डिंग प्रमोटर ग्रुप के बाद में सबसे बड़ी होल्डिंग है, लगभग 8.5% की होल्डिंग दिलीप संघवी के परिवार की है। ऐसे में दिलीप संघवी ने कहा है कि वो पूरी तरह से इसमें सब्सक्राइब करेंगे, जो राइट इशू है उनके हिस्से जितने शेयर आएंगे वो शेयर लेने वाले हैं। और जिस तरह से दिलीप संघवी ने विश्वास जताया उससे एक तरह से देखे तो सब छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके अंदर भी एक हिम्मत जगी है। तो इसमें आपको भी बिना डरे निवेश करना चाहिए क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनेगी और स्टॉक फिर उससे ऊपर भी जाता हुआ आपको दिखाई देगा सुजलॉन। इसके बीच में अगर आप देखें तो राजस्थान में जो समिट हो रहा है उसमें ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हमने डिस्कस भी किया कल, जैसे कि टाटा पावर वहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अदानी ग्रुप भी वहाँ पे निवेश करने जा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सुजलॉन के लिए भी, वो भी वहाँ पे निवेश कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान फिलहाल पूरे इंडिया में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में नंबर वन बन के उभरा है और अब यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक और नई स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो किसान है जिनकी ज़मीन बिल्कुल खेती के लायक नहीं है, ऐसे ही उपजाऊ ज़मीन नहीं और ऐसी पड़ी हुई ज़मीन है तो उसके ऊपर सोलर एनर्जी के प्लांट लगाए जा सकते हैं और इससे उन किसानों को भी फायदा होगा जिनकी ज़मीन बंजर है लेकिन वो सोलर एनर्जी के माध्यम से पैसे कमा पाएंगे। तो एक तरह से अब राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सोलर प्लांट लगाए जाएंगे उन ज़मीन के ऊपर जो किसानों की यूज़ में नहीं आ रही है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ट्रिपल एग्रीमेंट किया जाएगा जिसमें लैंड ओनर यानी जो फार्मर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे और डिस्कॉम, इनके साथ में एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसके तहत जो फार्मर की ज़मीन वहाँ पे लीज के ऊपर उनकी ज़मीन ली जाएगी और उस ज़मीन के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उसके बाद में जो बिजली का उत्पादन होगा वो डिस्कॉम को बेचा जाएगा। तो इसके बीच में सरकार होगी ताकि किसी तरह का कोई फंसाने का मामला न बने, कोई चिटिंग ना हो किसानों के साथ में, इसलिए सरकार इसमें सहयोग करेगी और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलने वाली है। तो ये जो स्कीम लाई गई है इसका फायदा उन किसानों को होगा जिनकी ज़मीन फिलहाल खेती के लायक नहीं, उपजाऊ नहीं है। तो एक सरकार ने एक जो निर्णय लिया उसकी वजह से आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में राजस्थान में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है और लगातार निवेश भी आने वाला है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि राजस्थान की कायापलट हो सकती है क्योंकि वहाँ पर दूसरे रोज़गार बहुत कम है, राजस्थान के लोगों को दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको उनके खुद के गांव में ही रोजगार भी मिल जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एक और बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है, यूएस और इंडिया मिलकर एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं और इसके तहत इंडिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट यूएस करेगा और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में जो इंडिया ने अपना गोल सेट किया 2030 तक 500 GW का इंस्टॉलेशन का, उसको पूरा करने में यूएस की तरफ से बड़ी हेल्प मिलने वाली है, वहाँ से एक निवेश भी आएगा और ये कहना है हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी का। कुल मिला के देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में अब रिवॉल्यूशन की शुरुआत होने वाली है। वैसे भी सरकार ने जो इनकी डिमांड थी तुलसी तांती जी की, जो ई रिजर्व डी जो बिडिंग पॉलिसी है उसको बदला जाए, उसकी जगह पे ई ऑक्शन पॉलिसी नई लाई जाए, तो सरकार ने उस बात को माना और जल्दी नई पॉलिसी लॉन्च होने वाली है। तो आने वाले समय में आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है और साथ में यहाँ पे सरकार की तरफ से PLI स्कीम भी लॉन्च की जाने वाली है। कुल मिला के आने वाले समय में सुजलॉन में बड़ा फायदा हो सकता है और जो प्रॉब्लम थी फिलहाल आप देख सकते हो वो सॉल्व हो चुकी है, यानी उनको नए MD की जगह थी वो खाली, वो भर चुकी है, नए MD मिल चुके हैं। और अगर हम देखें तो Q1 काफ़ी अच्छा था, तो रिवेन्यू कंपनी ने 1.38,000 crore rupees का बताया था, जहाँ पे 21.37% की हमने ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखी थी। नेट इनकम की बात करें तो 2.43,000 crore rupees निकल कर आई थी, जहाँ पे 9,999% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 176.64% निकल कर आया था, जहाँ पे 9,021% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट था Q1 का और आशा करते हैं कि इस बार Q2 भी वैसा ही होगा, तो फिर शानदार तेजी आ सकती है। तो सुजलॉन में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बने रहे, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।